A very cheerful morning, happy morning to all my little angels. How are you, students? A very happy morning to you, my dear students. Today, you might be wondering, why two teachers together? Yes, there is a reason. Miss Anjali will tell you. आप सोच रहे होंगे आज तो दो दो टीचर हमारे सामने ऐसा क्यों? Because today's our topic is understand your integrated project, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट में आप many more सब्जेक्ट सीखने वाले हैं, बहुत कुछ नया नया. So students, topic is one, homes of animals. But as Anjali ma'am told you, in one topic you are going to gain the knowledge of avians, maths, general knowledge, English grammar and many more subjects. Okay, so pay attention to ma'am. The project idea has been shared by Anjali ma'am and animals. I hope you will enjoy it. So over to you, Anjali ma'am. Students, you might be telling to your mama, ma'am, padhai karke bore ho gaye hain, kuch naya karna chahte hain. तो आओ कुछ नया करते हैं. आर यू रेडी माय स्टूडेंट्स? लेट्स अंडरस्टैंड आवर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ एनिमल शेल्टर, एनिमल ऑफ योर चॉइस, यूजिंग ओनली द वेस्ट मटेरियल. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वेस्ट मटेरियल? बट बिकॉज बेटा पैसे वेस्ट नहीं करने हैं और साथ में अपने नेचर का भी केयर करना है. वी डोंट हैव टू डैमेज और डिस्ट्रॉय द नेचर. आप सोच रहे होंगे फिर मैम कैसे होगा ये प्रोजेक्ट? आइए मैं आपको बताती हूँ. लिसन, वी आर गोइंग टू डू समथिंग यूनिक, दैट इज बेस्ट यूज ऑफ अ कोकोनट हस्क, मतलब कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. देखिए ये है कोकोनट. आप नारियल खाते हो ना, वो छिलका फेंक देते हो ना, सो वो डस्टबिन में चला जाता है. वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू फ्रॉम दैट. देखिए वी आर गोइंग टू मेक अ नेस्ट फॉर बर्ड्स. सी कैसे है, ये है नारियल का छिलका और उसमें से हमने बनाया है नेस्ट. देखा है ना चिड़िया का घोंसला. और कुछ पुराना सा आपके पास टॉय होगा ना, तो यू कैन कीप ओवर हियर. और ये जो अंडे दिख रहे हैं ना, दैट यू कैन मेक फ्रॉम अ कॉटन. छोटा छोटा इतना कॉटन लीजिए और इसमें रख दीजिए, तो हो गया आपका तैयार नेस्ट. कैसे? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. गॉट इट स्टूडेंट? ओ आपको एक और आइडिया चाहिए? यस. सी स्टूडेंट्स, वन मोर यूनिक आइडिया फॉर यू. अगर आपको कोकोनट हस्क से हार्ड लग रहा है ना, सो वी कैन गो विथ अ काउ शेड ऑल्सो. ओ मैम जी ये कैसे बनाना है? इट्स सो इजी बेटा. देखिए विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड एंड बॉक्स वी कैन मेक अ काउ शेड. कैसे? इसको कवर करना है और ऊपर से ऐसे इसको इस शेप में लगाना है, तो हो गया आपका काउ शेड. और टॉयज तो आपके पास रहते ही हैं, तो आप वो इधर प्लेस कर सकते हो. सो योर काउ शेड इज रेडी. और आपके घर पे गार्डन है, उसमें ग्रास है ना, तो वो इसके आगे बॉक्स में रख देना. गॉट इट? तो ये हो गया आपका होम्स और फूड ऑफ एनिमल्स. गॉट इट स्टूडेंट्स? वेरी स्मार्ट. मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छा करेंगे. In same way, we can go with a cow dog's kennel. उसी तरह जैसे कि मैंने cow shed बताया, उस तरह से आप ये dog का kennel और horse का stable भी बना सकते हैं. Okay? Oh, ma'am, ये कहाँ से आएगा हमारे पास? बेटा आपके पास bottle है ना पुरानी, हाँ, that cap of the bottle you can cover with any color paper और उसमें दूध डाल देना. सो इट इज रेडी डॉग शेल्टर एंड इट्स फूड. ओके नाउ वी मूव फर्दर स्टूडेंट्स. आवर नेक्स्ट इज कंप्लीट द गिवन पिक्चर बाय डूइंग कोलाज वर्क यूजिंग बिट्स ऑफ कलर पेपर. काउंट द
total number of bits of each color paper used and add them. Two. So students, now Annie ma'am will explain you about this project. Okay students, this is very simple and you will enjoy it a lot. Okay, what you have to do is Anjali ma'am will be sending you the PDF. You can take the printout, you can even take enlarged printout. Printout bada wala bhi le sakte ho ya same A4 size ka. Now what you have to do is take small bits of papers. रफ पेपर यूज करना है, आपको खरीदना नहीं है, जो मैगजीन्स में या पुराने जो ब्लू कलर के पेपर्स है, स्मॉल स्मॉल बिट्स, एंड व्हाट यू विल डू, यू विल स्टिक देम लाइक दिस, ओके, वन बिट एट अ टाइम. आपको काउंट करना है, हाउ मेनी ब्लू बिट्स, 1 2 3 4 5. अंजलि मैम विल शो हाउ यू हैव टू यूज फेवी स्टिक एंड डू इट. सो यू विल टेक रफ पेपर, you will also use fevistick and you will apply those fevistick and put the bits of paper like how it is shown here. The body will be blue, mouth will be red, and below it will be yellow bits of paper. Or every time you put the bits, count them, how many blue, how many red, how many yellow, and how should be the finishing, Anjali ma'am? See students, how you have to go with the collage work. आपको आराम से छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और इसमें चिपकाना है. You have to stick the bits. That you have to notice कि कुछ भी पार्ट खाली नहीं रहेगा and your whale fish will be ready with a collage work. And one more part students, that you have to count. How many red bits of paper are there? How many blue are there? And how many yellow bits are there? And that will be your max project. Then you will come to know how many total bits of paper you have stick in the whale fish. Got it, students? Very nice. Now, students, oh, something interesting. Yahoo! Yes. Fill in the blanks. No, it's fill in the given crossword. आप सोच रहे होंगे fill in the blanks तो नहीं दिए. No, no, something creative. Fill in the given crossword puzzle with names of animals. Okay, now animal will explain you. So students, here you are going to write the names of animals. In grammar, we have learned nouns, names of animals. So here you will fill the names of animals. And you, if you know the names of more animals, other than this, around 15 more names you can write behind the shape. Okay? So it is English grammar plus lot of general knowledge. Okay? Let's see what is the next subject that we are going to do in the project. Yes, student, आपको समझ में आया है कैसे crossword puzzle करना है? आप daily करते हो? It's good, beta. Now, GK. Stick photographs and write two sentences about how we can care for our pets and street animals. आपके घर पे pet है ना? आप उसकी केयर करते हो? डू यू लव देम? डू यू टेक केयर ऑफ देम? ओके, जब भी आप उनको खाना देते हो, दूध देते हो ना, टेल योर पापा और योर मम्मा टू टेक अ पिक और फोटोग्राफ एंड यू कैन सेंड और यू कैन स्टिक इन योर प्रोजेक्ट. देखिए, कभी उनको ठंडी लगती है ना, तो उनको आप बिस्तर देते हो, कुछ ओढ़ाते हो. ओके, तो यू कैन टेक अ नाइस पिक फोटोशॉप. और कभी पक्षियों को दाना देना, पानी देना, डू यू प्रोवाइड समथिंग टू देम? आप उनका ध्यान रखते हो? आपके घर पे पैरेट है? अरे वाह, तो आप बहुत ध्यान रखते होंगे. ओके, सी, मेक अ नाइस होम फॉर अ डॉग. ऐसे भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कार्टन लेके उसको डॉग में बिठा सकते हो. इन दिस वे ऑल्सो यू कैन टेक केयर ऑफ अ
street animals also beta. Stick photographs. आप कभी नहलाते हो अपने डॉगी को अपने पप्पी को तो आप पापा को बोलना पापा प्लीज टेक अ फोटो आई वांट टू स्टिक इन माय प्रोजेक्ट सी. कभी आपने स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिलाया है वेरी नाइस तो यू कैन स्टिक योर फोटोग्राफ्स इन योर प्रोजेक्ट. हियर स्टूडेंट्स व्हाट एवर यू आर डूइंग यू टेक अ फोटोग्राफ एंड मेक श्योर यू राइट टू सेंटेंस. सिर्फ फोटोग्राफ नहीं लगाना है विथ फोटोग्राफ यू राइट टू सेंटेंस कि हाउ यू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. व्हाई बिकॉज यू हैव टू शो लव नॉट ओनली टू फेलो ह्यूमन बीइंग्स आपको जानवरों को भी उतना ही प्यार रखना करना चाहिए उनका ख्याल रखना चाहिए. सो यू विल एंजॉय डूइंग दिस प्रोजेक्ट because you are caring for your fellow beings as well as fellow animals. सबके लिए हमें दिल में प्यार होना चाहिए. Okay? Now assessment part your class teacher will tell. So my dear students, I hope you have understood what's the meaning of integrated project. That means एक बॉम्ब में बहुत सारे धमाके है ना something interesting. Oh ma'am जी इस पे कुछ मार्क्स वार्क्स देंगे क्या? जरूर देंगे. नाउ वी कम टू आवर स्केल फॉर मार्क्स दैट इज एरियाज ऑफ असेसमेंट. ईवीएस इफ यू आर मेकिंग प्रोजेक्ट यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स बट इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. एंड आर्ट एंड क्राफ्ट प्रेजेंटेशन यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स. मैथ्स यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स. English, you will be getting 5 marks and general knowledge also 5 marks. So the total marks on your project will be 25. Ma'am, we want to ask you something. May I ask? Yes, beta, sure. You can send the message also and you can call me also. Par bataiye kya puchna chahte hain? Ma'am, kya hamara project agar neat hoga to aap display karenge? Yes, beta. We will display your model on the display board also and we will bring to the public notice also. I hope students you have understood whole integrated project aur isko aap acche se acha banane ki koshish bhi karenge. Okay, so students so you are clear with this project. मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे और खूब अपना ध्यान भी रखेंगे. ज्यादा से ज्यादा क्रैकर्स आपको जलाने बिल्कुल नहीं है. अपनी सेहत का बहुत ही ध्यान रखना है. सो आई विश यू हैप्पी दिवाली स्टूडेंट्स. आई होप यू डू दिस प्रोजेक्ट वेरी केयरफुली एंजॉय डूइंग इट लर्न अ लॉट एंड हैव लॉट ऑफ फन. हैप्पी लर्निंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. सो माय डियर स्टूडेंट take care of yourself. Have a great time. God bless you, bacha.